मुंगेर एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर खनन विभाग की पदाधिकारी निधि कुमारी द्वारा कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हेरू देहरा इलाके में गंगा नदी के पास अवैध बालू से लदे लगभग 18 नाव और एक ट्रक को जब्त किया गया। खनन पदाधिकारी निधि कुमारी ने कहा कि 18 नाव जब्त और एक अवैध बालू से लदा ट्रक को भी जब्त किया गया है। अवैध बालू की ढुलाई कर रहे बालू माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यह भी कहा कि जो अवैध ईंट भट्टा चला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। साथ में जो संवेदकों के द्वारा सफेद बालू का उठाव कर योजनाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं उन संवेदकों को भी रॉयल्टी के साथ शुल्क राशि जमा करना होगा। साथ में यह भी कहा कि अवैध बालू से वैध कार्य किया जा रहा है। क्या कार्रवाई हुई है? लगभग 18 नाव जब्त किए गए हैं जी। जितने भी नाव हैं वो अवैध रूप से अवैध ढुलाई कर रहे हैं बालू का जी। और इन पे कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जो अवैध करता है उनकी पहचान कर किन किन निर्देश पे ये अभियान चलाया जा रहा है? ये एसपी मैडम के निर्देश पे अभियान चलाया जा रहा है। जैसे सभी लोगों पर कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है और आगे भी होगी। सारी अवैध जो कार्रवाई कर रहे हैं उन पर यकीन कसा जाएगा। क्या उम्मीद ईंट भट्टा मालिकों पे होगी? एकदम होगी। कार्रवाई किया जा रहा है मेरे द्वारा, लगभग 2-3 कार्रवाई किया जा रहा है, अभी तक किया जा चुका है समेत को जाननी पेच यहाँ पर ये रॉयल्टी दंड स्वरूप दंड के रूप में देंगे जी। रॉयल्टी प्लस स्वामी शुल्क देंगे। सरकार का जो निर्देश है कि अगर अवैध कर रहे हैं तो उन संवेदकों से रॉयल्टी के साथ स्वामी शुल्क भी दिया जाए। ये माना जाने की अवैध चीज से वैध निर्माण हो रहा है जिला प्रशासन के नाक के नीचे, माना ही सही है। और अवैध जो है धीरे धीरे सब बंद हो जाए। थैंक यू मैम।